अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ CSS रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे इतना पूछा कि मुझे इस पर वीडियो बनानी पड़ी। और इसके साथ साथ मैं माजरत चाहूँगी, स्टडी प्लान्स अभी तक मैं अपलोड नहीं कर सकी और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मेरा लैपटॉप है, उसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स निकल आए हैं टेक्निकल, वो जैसे ही अब कम्प्लीटली ठीक होता है देन फिर इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। तो आई नो आप लोग वेट कर रहे हैं और मुझे याद है मैंने कहा था कि मैं अपलोड करूँगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में अपलोड हो जाएंगे, आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें। तो जनाब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं CSS बहुत ही टायरिंग जर्नी है, लेकिन ऑब्वियसली आप एक दफ़ा मेहनत करके उस मुकाम पर पहुँच जाएँ तो ज़िम्मेदारियां तो बड़ी हैं लेकिन साथ ही साथ सीट भी काफ़ी बड़ी है। और पाकिस्तान का इसीलिए इतना मुश्किल एग्ज़ाम, इसको कहा जाता है सबसे ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि इसकी जो पासिंग रेशो है इट इज़ लेस देन 2%। ठीक है, और अभी अगर आप लास्ट ईयर के भी स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसमें भी जो पासिंग रेशो थी वो 2% से भी कम थी। इसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूँ कि कितने एस्पिरेंट्स हर साल अप्लाई करते हैं CSS में। तो जनाब अ टोटल ऑफ 39,630 कैंडिडेट्स डिड अप्लाई फॉर द CSS कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2020, और उनमें से 18,553 स्टूडेंट्स अपियर हुए थे। ज़्यादातर तो डर कर अपियर ही नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको ये लग रहा होता है कि हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है या हम अभी वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए। तो यहीं पे कंपटीशन थोड़ा सा तो कम हो जाता है, लेकिन स्टिल 18,000 भी बहुत होते हैं। और फाइनली 376 कैंडिडेट्स क्लियर्ड CSS एग्ज़ाम्स। और ये जो 376 हैं ये भी श्रिंक होगी बाद में, जब इंटरव्यू हुआ वो भी श्रिंक होकर सिर्फ और सिर्फ 200 रह गए। तो ये सारा सिनेरियो होता है और एट द एंड सिर्फ और सिर्फ 200 ऐसे खुशनसीब एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको एलोकेशन नसीब होती है। अब ये सारा का सारा प्रोसीजर क्या है एलोकेशन का, हम वन बाय वन देखते हैं जी। तो अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए कि एडवर्टाइजमेंट कब अनाउंस होती है। तो जनाब CSS की एडवर्टाइजमेंट हर साल अक्टूबर के महीने में FPSC की वेबसाइट पर अनाउंस होती है, ठीक है, और वहीं पर ही आप अप्लाई करते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो होती है 2200, और आप FPSC की वेबसाइट पर ही अप्लाई करते हैं। फिर आपने डॉक्यूमेंट्स इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स भिजवाने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इस साल के अक्टूबर में अप्लाई किया, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर की जनवरी में वो आपको एक लिस्ट अपलोड करेंगे FPSC की वेबसाइट पर, जिस पर वो आपको डिक्लेयर करेंगे कि आर यू एलिजिबल और नॉट, ठीक है। और बाज़ वक़्त क्या होता है कि कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके थ्री चांसेस उन्होंने अवेल कर लिए होते हैं, लेकिन स्टिल वो दोबारा अप्लाई कर देते हैं कि मे बी वो FPSC की नज़रों से बच जाएं, लेकिन वो नहीं बच पाते क्योंकि वो एलिजिबिलिटी लिस्ट में उनका फिर नाम खारिज कर दिया जाता है और वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। इसके अलावा एक और वजह ये हो सकती है FPSC की तरफ से रिजेक्ट किए जाने की कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि एस्पिरेंट्स तब भी अप्लाई कर देते हैं, उनकी डिग्री नहीं आई होती, उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती तब भी अप्लाई कर देते हैं। बाज़ औक़ात एज के इशू होते हैं, तो ये सारे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरे नहीं उतरते उन कैंडिडेट्स का नाम फिर ऑब्वियसली उन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में नहीं होता। अच्छा, वो आप ज़रूर चेक कर लिया करें ताकि आपको एग्ज़ाम डे परेशानी ना हो। देन जनवरी में वो लिस्ट आ गई, उसके बाद फरवरी में यानी कि जिस साल आपने अप्लाई किया उससे नेक्स्ट ईयर फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, और ये फ़िक्स है हर साल फरवरी में ही CSS के एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन डेट फिक्स नहीं होती। ऑब्वियसली डेट फिर आपकी चंद दिन पहले जनवरी में ही आपका आ जाता होता है सारा स्केड्यूल कि आपकी डेट शीट क्या है, किस दिन कौन सा पेपर है। और ये याद रहे कि CSS में एक दिन में दो पेपर होते हैं, और एक दिन में दो पेपर होने की वजह से ही ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, और इस रूटीन से ही टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एस्पिरेंट्स के लिए। उसके बाद जनाब आपके 6 दिन में ही पेपर्स ख़त्म हो जाते हैं। ऑब्वियसली एक दिन में आपके दो पेपर हो रहे हैं तो फिर 6 दिन में आपके 12 सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। देन फेब में पेपर देने के बाद आपका जो रिज़ल्ट आएगा उस रिटन टेस्ट का या रिटन एग्ज़ामिनेशन कह लें, उसका रिज़ल्ट आएगा जनाब अक्टूबर में, यानी कि आपने पिछले साल के अक्टूबर में अप्लाई किया, नेक्स्ट ईयर आपने फेब में पेपर दिए और सेम ईयर अक्टूबर में आपका रिज़ल्ट आ गया,
ठीक है, और वो रिज़ल्ट आपका फाइनल रिज़ल्ट नहीं होगा, वो आपका रिटन एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट होगा। और अगर आप उसमें पास हुए देन फिर ऑब्वियसली फर्दर प्रोसीजर, अगर फेल हुए देन आपको दोबारा से आपको अटैम्प्ट देनी होगी और आप दोबारा से अटैम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप पास हो गए हैं आप तब भी दोबारा अटैम्प्ट दे सकते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम्स के डे में आपका इंटरव्यू नहीं है तो। ठीक है, किसी ने मुझसे ये भी सवाल किया था कि आप दोबारा दे सकते हैं पेपर्स या नहीं, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। ठीक है जी, तो अगर आप रिटर्न में पास हो गए इंशाल्लाह देन आपका होगा मेडिकल टेस्ट, जिस तरह से आर्मी में होता है। ठीक है, और ये आर्मी जितना सख्त तो नहीं होता, लेकिन ये है कि मेडिकल टेस्ट होता है, बेसिक मेन मेन चीज़ें उन्होंने चेक करनी होती हैं। देन होता है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिन लोगों ने ISSB दिया हुआ है या ISSB की नो हाउ उनको है, उनको पता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट किस तरह के होते हैं। उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको प्रेशर टेस्ट से गुजारा जाता है ताकि आपको वो देख सकें कि एज अ सिविल सर्वेंट क्या आप में बर्दाश्त है, क्या पब्लिक स्पीकिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है या नहीं है, ये चीज़ें उन्होंने चेक करनी होती हैं डिफरेंट टेस्ट के थ्रू। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू का जो टाइम फ्रेम है वो ऑब्वियसली उन्होंने डिफरेंट बैचेस बनाए होते हैं। अगर तो आप फर्स्ट बैच में ही हैं, ठीक है, आपका रोल नंबर फर्स्ट बैच में आता है, सुना यही है कि 6 बैचेस होते हैं। तो अगर आपका फर्स्ट बैच में है तो फॉर एग्जांपल अक्टूबर में रिजल्ट आया रिटर्न, तो नवंबर में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन आप इसको थोड़ा डिले भी करवा सकते हैं एप्लीकेशन देकर, ठीक है, कोई वैलिड रीज़न बताकर आप इसको थोड़ा डिले करा सकते हैं। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप थोड़ा डिले करवा लें ताकि आपके पास टाइम हो तैयारी का, और ऑब्वियसली ऑप्शनल्स में से भी सवाल होते हैं आपके सब्जेक्ट्स में से, तो वो भी रिविज़न वगैरह करने का आपके पास टाइम हो। दिन नवंबर से फेब के दरमियान आपका इंटरव्यू हो जाता है, और इस दफ़ा तो खैर कोरोना की वजह से काफ़ी लेट हो गए थे इंटरव्यूज़। उसके बाद आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आता है मई में या अप्रैल में, ठीक है, और वो आपका फाइनल रिज़ल्ट होता है। रिटर्न रिज़ल्ट की बुनियाद पर आप अपने आप को CSP नहीं कहलवा सकते, जो आपका फाइनल रिज़ल्ट होता है वही आपको बताता है कि आपकी एलोकेशन हुई है या नहीं हुई। बाज़ुकात कई एस्पिरेंट्स की ऐसी भी हार्ड लक होती है कि इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन उनको कोई ग्रुप अलॉट नहीं होता, और ग्रुप अलॉट ना होने का मतलब यही है कि आपकी एलोकेशन नहीं हुई, तो उनको सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर तो आपकी लकीली एलोकेशन हो गई है देन अगेन आपको कुछ मंथ्स का वेट करना पड़ेगा, और उस साल के यानी कि जिस साल आपका रिज़ल्ट आया है फाइनल, जिस साल के मई में आपका रिज़ल्ट आया है, सेम ईयर अक्टूबर में आपकी ज्वाइनिंग होगी CTP में। और CTP क्या है? कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें जितने भी एस्पिरेंट्स पास हुए होते हैं उन सब का कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये 6 से 8 महीने के दरमियान इनकी ट्रेनिंग होती है, और ये होती कहाँ है? लाहौर में एक अकेडमी है CSA के नाम से, सिविल सर्विसेज अकेडमी, वहाँ पर सबके सब CSPs जो पास हुए होते हैं, ठीक है, सबके सब कैंडिडेट्स जो पास हुए होते हैं उन सब की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, वहाँ पर ऑब्वियसली लेक्चर्स भी होते हैं, देन एंड ऑफ ट्रेनिंग वहाँ पर एग्ज़ाम्स भी, उसके बाद आपकी होती है स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है कि आपको जो ग्रुप अलॉट हुआ होता है सारे के सारे वहाँ पे पास हुए हुए कैंडिडेट्स नहीं होते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रुप के होंगे। मिसाल के तौर पे जिन जो लोग PAS में गए उनकी अलग ट्रेनिंग होगी, PAS कैंपस की होगी, ठीक है, जो लोग पुलिस में गए हैं उनकी अलग होगी। इस तरह से हर ग्रुप की अलग अलग ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का दौरानिया भी 6 से 8 महीने होता है, और वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसके ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स देने के बाद उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट पोस्टिंग एज असिस्टेंट कमिश्नर ASP, जिस भी आप ग्रुप में गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी रैंक बनता है, देन फिर आपकी पोस्टिंग होती है और वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो अगर टोटल गिना जाए तो CSS ऑलमोस्ट 3 साल लगते हैं, और ऑब्वियसली अगर आपने इसमें साल लगाया है प्रिपरेशन में, 2 साल लगाए हैं, तो आप इसमें ऐड करते जाएं, टोटल ये इतनी लंबी और टायरिंग जर्नी है। इसलिए अगर आप CSS करना चाहते हैं तो हिम्मत मान लीजिए, ये कोई 1-2 दिनों की गेम नहीं है, बस अल्लाह ताला पर यकीन रखें और अपना 100% दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें,
और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।